Alright, so hey guys, what up everybody? It's your boy Danish Zehen, back at it again with a new video, baby. Okay, so guys, today's video is not a vlog, not a video, not a proper video. Today's video, whatever it is, it's on me. I mean, dude, I have to share some things with you. I'm so frustrated with this thing. Okay, so guys, boss, look, I'm so frustrated with this thing. I mean, what's the scene? I'm not in any situation, my girlfriend is, or my problem is, I mean, what is my controversy in my mind? Dude, this thing doesn't understand anything. I don't know what I'm doing in my life. मैंने अपना YouTube चैनल आज से 3 साल पहले स्टार्ट किया था जब मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था गाइस मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था करता हूं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था जब जिस जगह पे मैं रहता था जहां के लोग थे ना वो लोग बहुत ही अजीब थिंकिंग वाले थे ये क्या कर रहा है ये क्यों कर रहा है ये चैनल क्या है मतलब ये क्या चल रहा है कोई लड़का कुछ अलग ही कर रहा है आई मीन ये क्या बाल कलर वगैरह कुछ मतलब वो टाइम पे लोग ब्लीच वगैरह भी करने डरते थे इतने दस एंड मैं पूरे बाल ब्लॉन्ड कर दिया था अचानक से तो ये बिल्कुल भी नया था हमारे यहाँ के ट्रेंड के लिए बिकॉज मैं था सोशल पर बहुत ज़्यादा एंड मैं दिन रात वही चीज़ें देख रहा था तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई थी तो धीरे धीरे मेरा करियर स्टार्ट हुआ था हेयर स्टाइलिंग से डूड हेयर स्टाइलिंग से मेरा करियर स्टार्ट हुआ मैंने पहले मैं फेसबुक पर था बट मेरा फेसबुक अकाउंट नॉर्मली मैं हैंडल भी नहीं करता मैं जो भी इंस्टाग्राम स्नैपचैट के ऊपर हूँ तो फेसबुक पर पहले मैं करने लगा तब मैं रैप करता था मैं अंडरग्राउंड रैपर था तो वो भी सीन बहुत सही था मतलब एक हद तक रैप बट मुझे एक चीज़ एक पॉइंट बैक पता चला कि अंडरग्राउंड रैप का कितना सा कम्युनिटी है जो सुनता है बनाता है ख़त्म हो जाता है तो मुझे उसके बाहर कुछ करना था तो मैंने अपना एक सेकेंड यूट्यूब चैनल खोला जिसका नाम था दानिश ज़ेहन लाइफ स्टाइल मेरा पहले चैनल का नाम था दानिश ज़ेहन DMG सेकेंड चैनल था मेरा दानिश ज़ेहन लाइफ स्टाइल वो चैनल ओपन करने के बाद मैं उस पर DIY ट्यूटोरियल्स बनाने लगा मैं अलग अलग वीडियोज बनाने लगा मुझे कैमरा से बात करनी नहीं आती थी मुझे लोगों से बात करनी नहीं आती थी मुझे कुछ समझता नहीं था बट फिर भी मैं व्लॉग्स बनाता था मैं वीडियोस बनाता था फुल कॉन्फिडेंट आई मीन किसी का डर नहीं कौन देखे नहीं देखे और खुद शेयर करता था लोगों से हाँ तो वो वीडियोस चलने लगी क्या पता नहीं लोगों को क्या पसंद आने लगा लोगों को मेरे में क्या अच्छा लगा वो वीडियोस चलने लगी मैंने धीरे धीरे व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किए मेरे स्किल्स इंप्रूव होने लगी मैंने जब मैंने अपने व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किए मैं अपने व्लॉग्स आईफोन से बनाता था 6 से जो कि मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट किया था तब मेरे पास ना कैमरा था ना लैपटॉप था ना कुछ प्रॉपर ऐसे कोई चीज़ें इक्विपमेंट्स नहीं थे तो ये स्टार्ट हुआ ये सफर स्टार्ट हुआ धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर्स 1000 हो गए जो मेरी रैप वाली ID थी उसके बाद मेरे 2 साल के अंदर 300 के सब्सक्राइबर्स 300 सॉरी के बोल रहा हूँ 300 सब्सक्राइबर्स एंड मेरी ये वाली ID पे 2 महीनों के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद मेरी हालत थी 1000 सब्सक्राइबर्स 1000 सब्सक्राइबर्स वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी 1000 सब्सक्राइबर्स है मेरे पास देखते देखते 1 महीने के अंदर वो 1000 10000 हो गए देखते देखते वो 1000 10000 1 लाख हो गए व्यूज मिलियंस में आने लगे ये जर्नी एकदम अनएक्सपेक्टेड मेरे साथ क्या होता मेरे को समझ में नहीं आता मैं रात को सोता था कोई वीडियो ड्रॉप करके सुबह उठने के बाद उस पर 100K से ज़्यादा व्यूज जो बंदे ने कभी 1000 के ज़्यादा व्यू नहीं देखा उसकी वीडियोज पर 100K व्यूज लाइफ चेंज होने लगी इंस्टाग्राम बूम होने लगा धीरे धीरे ऑफर्स आने लगे कंपनीज के ब्रांड्स अप्रोच करने लगे अब सीन ये था मैं हेयर स्टाइलिंग पे था मैं लाइफ स्टाइल में था वीडियोज ब्लॉग्स वगैरह कर रहा था मैं इनटू बॉडी बिल्डिंग गया मैंने अपनी फिजिक को मेंटेन करना स्टार्ट किया मुझे मैं वर्कआउट पहले से कर रहा था बट उस टाइम मुझे एकदम सही ट्रेनिंग मिलने लगी प्रॉपर कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए मैंने अपनी फिजिक को मेंटेन किया तो मुझे वहाँ से ऑफर्स आने लगे डूड लाइफ बिल्कुल भी चेंज हो गई ब्रांड्स वगैरह मिलने लगे काम बहुत आने लगा अब ऐसे एक टाइम आ गया जब काम बहुत आने लगा ना तो माइंड भटकने लगा हेटर्स जो कि सबको पता है जो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता बट फिर भी सबके होते हैं हेटर्स डूड हेटर्स होना भी बहुत ही जरूरी है जब हेटर्स होंगे तब तो तुमको पता नहीं चलेगा तुम कितनी ऊंचाई पे जा रहे हो जब तक हेटर्स नहीं होंगे तुम्हारे पीछे बहुत बात होगी आज ही बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि मुझसे इंस्पायर होकर वीडियो बनाते हैं एंड फैमरा ने आगे बोलती है दानिश ज़ेहन का कॉपी तो डूड ऐसा तुम मत बोलो कोई बंदा इंस्पायर होकर वीडियो बना रहा है तो उसको ऐसा सब तुम मत बोलो उसने भी कहना था इसे स्टार्ट किया वो मेहनत कर रहा है थोड़ी ना वो मेरा कंटेंट लेके ड्रॉप कर रहा है जो तुमसे कॉपी बोलेंगे
मैं अपनी बहुत इज्जत करता हूँ अपनी फैमिली आर्मी की, बिकॉज उन लोगों ने मुझे तब सपोर्ट किया जब मेरा चैनल डिलीट हो गया था एंड एक वीक के अंदर मेरा चैनल 100K क्रॉस किया है। फिर से एक सिल्वर प्ले बटन भी आएगा मेरे पास, दो सिल्वर प्ले बटन है, गोल्ड बटन भी आएगा जो कि मुझे खुद को इतना कॉन्फिडेंट आएगा। सो डूड, जो भी कोई मेहनत कर रहा है उसके ऊपर बिल्कुल भी ये सब लोग मत बोलो कि कॉपी कर रहा है, वो कर रहा है, डूड कर रहा है। मेरे को मैंने अपना कंटेंट कुछ नया लाया, अब मैंने बाल कलर किया, मैंने किया तब लोग शर्माते थे, अब सबको हर कोई करता है, अब लोग शर्माते नहीं, वो कॉपी नहीं हुआ, वो एक इंस्पायर हुआ। डूड कोई फोटोग्राफर को देख के कोई फोटोग्राफर इंस्पायर होता है कि हाँ भाई ये ऐसा फोटो क्लिक कर रहा है तो मैं भी क्लिक करूंगा, बट थोड़ा अलग वे में क्लिक करूंगा ताकि वो ऐसा नहीं हो, हर कोई किसी ना किसी से इंस्पायर होता है। तो डूड वो सब तुम मत बोलो, वो सब छोड़ दो। हम देखो मैं इतना बोलूंगा डूड, जब हम किसी का अच्छा नहीं देख सकते तो हम किसी का बुरा करो भी मत। सो भाई तो भाई मुझे ब्रांड अप्रोच करने लगे, मुझे आलस आने लगा काम करने के चक्कर में, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ क्लबिंग चालू कर दिया, ये वो घूमने लगा फालतूगिरी एंड ऑल। मतलब उसके बाद ऐसा ऐसा हाइप पे आते 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 ना अचानक से मैं ऐसा हो गया, बहुत सीन हुआ मेरे साथ, बहुत मैटर हुआ जो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, मेरे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई लाइफ में। बट ये सब के अंदर मेरे मॉम डैड ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा सपोर्ट किया। मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम में था, मेरे मॉम डैड ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया एंड मुझे कभी कभी बुरा फील होता है कि उन्होंने मुझे बहुत समझाया बट मैंने उनके साथ गलत रिएक्ट किया, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। एट द एंड मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम फंसा, मुझे मेरे भाई ने और मेरे मॉम डैड ने निकाला। तो डूड हमें ये सब चीज़ बिल्कुल याद रखना चाहिए कि एट द एंड हम कितने भी बड़े बड़े दोस्त बना ले, एमिरेट्स का पायलट हो या वो कोई जज का बेटा हो या वो कोई कमिश्नर का बेटा हो, जब तुम प्रॉब्लम में होते ना तो हमारे घर वाले हमारे लिए खड़े होते हैं। डूड कोई खड़ा नहीं होता, चाहे वो हमारी गर्लफ्रेंड हो या कोई भी हो, गर्लफ्रेंड के घर वाले हो या वो कमिश्नर का बेटा हो या वो तुम्हारे दोस्त हो या यार हो, कोई भी हो, वो कोई खड़ा नहीं होता। मैटर करने के टाइम पे सब होता है बट जब हम मैटर के अंदर फंसे होते हैं तो हमारे माँ बाप बहुत ज़्यादा काम आते हैं। डूड भले से उनकी जेब में कुछ भी ना हो, वो लोग तुम्हारे लिए खड़े हो गए, वो लोग पुलिस स्टेशन के बाद तुम्हारे लिए खड़े हो गए, वो लोग हॉस्पिटल के बाद तुम एडमिट हो तुम्हारे लिए खड़े रहोगे, वो लोग कुछ भी रहे वो लोग तुम्हारे लिए रहेंगे। तो डूड ये सीन है, जब मेरे पास काम आने लगा तो फिर मेरे एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो मैं कुछ चीज़ों की वजह से ऐसी हाइट से ऐसा गिर गया। ऐसा गिरने के बाद मेरा कोई चीज़ पे ध्यान नहीं था, मैं सोशल मीडिया से बिल्कुल भी भटक चुका था, मेरी बॉडी खत्म हो गई थी डूड। आई मीन मैंने जो फिजिक इतना मेंटेन किया था मेरी पूरी बॉडी खत्म हो गई थी। आई मीन डूड कैसी हो गई थी मेरी बॉडी, मेरी शक्ल देखने लायक नहीं थी। वो लाइफ का सबसे बुरा वक्त था मेरे मतलब इस जर्नी का। देन मुझे तो ऐसा लगा था कि सब खत्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बट एक दिन फिर मेरी मम्मी ने मेरे को फोन किया, बोला कि क्या दानिश तू करना क्या चाहता है, चिल क्या सीन हो रहा है, एक मिनट मुझे बहुत पसीना आ रहा है, तो पूछ गया। ओके सो गाइस, फिर जब ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था एंड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ रह रहा हूँ, मतलब मेरा क्या हो रहा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी मेरे दिमाग में, एक चीज़ को लेकर 10 चीज़ को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी और मैं हर चीज़ से चिढ़ रहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मतलब मैं चिढ़ रहा था हर चीज़ को लेकर। तो उस वक्त मेरे बड़े भाई ने मुझे बोला कि काम कर, तू थोड़े दिन के लिए इंडिया छोड़ दे। तो उसने बोला, तो मैंने बोला ओके। तो उससे मैंने इंडिया छोड़ा, मैं गया दूसरी कंट्री, मैं वहाँ पर रहा थोड़े दिन, तो मेरा थोड़ा माइंड डाइवर्ट होने लगा। उसके बाद जब मैं वहाँ रहा तो मुझे समझ में आने लगा कि हाँ मेरा करियर क्या था, मैं कितने मेहनत से वहाँ तक आया था, मुझे जो मैंने किया वो बिल्कुल भी गलत था, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। समझ आई थोड़ी बहुत, सब कदर पता चली जो चीज़ थी मेरे पास उस चीज़ की, बिकॉज मैंने देखा कि जो लोग मेरे पीछे से आए वो लोग मुझसे ज़्यादा आगे जा रहे हैं एंड मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं उन सबको लेते हुए जा सकता हूँ, बिकॉज मुझे पता है मेरे अंदर कितना है और कितना नहीं है। मैं अगर चाहूँ मुझे वो करना है तो मुझे वो चीज़ करना ही है। तो डूड वो सब चीज़ होने लगी, साथ में इंस्टाग्राम लाइक्स गिर गए। सबसे पहली बात, मुझे जो चीज़ के ऊपर 50K 60K लाइक्स आते थे वो पिक्स के ऊपर 20,000 लाइक्स आने लगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील होने लगा। हाँ मेरे सही में डूड यार, मेरे व्यूज़ 90K 80K 100K के ऊपर रुक गए यूट्यूब के व्यूज़। तब मैं वहाँ था तब मेरी ये सब बातें समझ में आई, जब मैं दूसरी कंट्री में था, मैं इंडिया वापस आया। मैंने इंडिया वापस आने का सबसे पहला चैलेंज लिया 40 डेज वर्कआउट का चैलेंज, कि मुझे 40 दिन के अंदर अपनी बॉडी फिर से वैसी बनानी जैसी पहले थी। देखो किस घंटा बॉडी वैसी नहीं बन सकती 40 दिन के अंदर, बट मैंने एक चैलेंज लिया कि मैं करूँगा। मैंने बहुत मेहनत करी, बॉडी अब बनी है बट बॉडी मैंने खुद के माइंड सेट कर लिया 40 दिन के बनेगी तो बनेगी। मैंने 40 डेज कंटिन्यूसली वर्कआउट किया एंड बॉडी को मेंटेन किया, मैं जैसा था मैंने उस बॉडी को पूरा प्रॉपर मेंटेन किया। उसके बाद आई मीन उस बात को ऐसे 4-5 महीना हो गया है, मैं अजमेर जाकर आया,
मैंने वहाँ पर बहुत प्रे किया कि मैंने जो भी किया सब गलत था, मुझे फिर से ट्रैक पर आना है, मुझे जो किया मुझे वो करना है फिर से, मुझे अपना करियर, मेरा करियर स्टार्ट हुआ है, मुझे स्टार्ट करने से पहले खत्म नहीं करना है। मैं बहुत गलत चीज़ों में गया, बहुत गलत चीज़ों से निकल भी गया एंड मेरी लाइफ बहुत, अभी भी मैं तुम लोगों को सब चीज़ नहीं बता रहा हूँ प्रॉपरली कि क्या था क्या नहीं था, बिकॉज डूड मैं चाहता हूँ वो चीज़ ऐसी ना, वो चीज़ ऐसी रहे, मैं वो चीज़ को नहीं खोलना चाहता हूँ उस, तो वो कॉन्ट्रोवर्सी मुझे नहीं खोलने, वो क्या सीन था, वो एक सीन नहीं था, वो बहुत सारे सीन्स हैं ऐसे तो जो कि मैं नहीं खोलना चाहता एंड मुझे प्रॉब्लम नहीं है डूड, मेरे को पता है मैं किस टाइप का लड़का हूँ, मुझे कूलेस्ट बैड बॉय इसलिए बोला जाता है बिकॉज मेरी हरकतें वैसी है, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, अगर तुम मेरे साथ घूम रहे हो और तुम्हें कोई लड़का कुछ बोलता है तुम्हारे एक्शन लेने से पहले मैं एक्शन लूंगा कि तूने उसे क्यों बोला, अगर कोई कुछ गलत बोलता है तो कि तूने उसे क्यों बोला, वो मेरे साथ है इसलिए, बिकॉज मैं हूँ ऐसा डूड और मुझे खुशी है मैं वैसा हूँ बहुत, मुझे बिकॉज अगर मैं वैसा नहीं रहूँगा ना तो लोग मुझे अक्खा निकल के खा जाएंगे। सो वही सब डूड में रिटर्न आया, मैंने अपना बॉडी मेंटेन किया, मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट किया, फिर सारी धीरे धीरे चीज़ें चेंज होने लगी, देन मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया अचानक से, सदमा। मेरा इंस्टाग्राम अच्छा खासा चल रहा था, मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया। अब मैंने बोला ये क्या सीन है डूड, ये क्यों डिलीट हुआ, रीज़न पता ही, मेरे को लगा अब सब खत्म हो गया फिर से। देन मैंने, मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि मैं कूल था, मैं चिल था, रिलैक्स था, इतना रिएक्ट नहीं किया कि भाई मेरा 300 का चैनल था, थोड़ा शाइनिंग शाइनिंग में रिलैक्स था, बहुत मेरी समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या, बट देन दूसरा चैनल ओपन किया, फट वीडियो ड्रॉप करने स्टार्ट किए, मुझे पता था ऑडियंस कैसे खींचना है, मैंने अपना बेस्ट दिया, बेस्ट कंटेंट डाला, थैंक्स टू शुभम, शुभम मेरे साथ काम करने लगा, मैंने शुभम को, शुभम और मैंने टीम वर्क स्टार्ट किया, साहिल करके एक बंदा है जो मेरी पिक्स वगैरह एडिट करता था इंस्टाग्राम के लिए, तो ऐसा टीम वर्क स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, मैंने कंटेंट अपना चेंज किया, कंटेंट को अच्छा लगा, उनको इमरान इंटरव्यू, एक बार इमरान इंटरव्यू मुझे बोला था दानिश, जब मेरा सलून अच्छा नहीं चलता ना तो मैं डबल मेहनत करता हूँ, और जब मेरा सलून अच्छा चलता है तभी भी मेहनत करता हूँ, बट जब मेरा सलून अच्छा नहीं चलता ना मैं डबल मेहनत करता हूँ क्योंकि वो रिजल्ट देख के दूसरे लोग आएंगे, तो ऐसी सीन था, जब मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा नहीं चल रहा था ना तो मैंने उसमें डबल मेहनत करी एंड उसने मेहनत ने रंग लाई। सीन ये था कि वो चैनल डिलीट हो गया था और चैनल के ऊपर मेरा बहुत सारे ब्रांड डील्स चल रहे थे एंड डूड जब हमारे इतने ब्रांड डील्स चल रहे ना उसको चैनल के ऊपर वो चैनल डिलीट हो जाए तो पता चलता है यहाँ पे कि कितना बड़ा बर्डन है हमारे सर के ऊपर, बिकॉज डूड मेरे साथ कितने लोगों का काम चल रहा है मुझे पता है, मेरे साथ मेरे ऊपर कितने लोगों का काम डिपेंड है मुझे पता है। सो वही एट दी एंड सबको लगता है कि ये बंदा अकेला काम कर रहा है बट ऐसा नहीं डूड, मेरे पीछे कितने लोग हैं जिन लोगों का काम चल रहा है मेरे थ्रू वो मेरे को पता है, कितने लोग काम कर रहा हो, कितने लोग काम नहीं कर रहा हो, कितने लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, कितने लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, सो सारी चीज़ें एंड उसके बाद ऐसा इजी लाइफ इजी नहीं है, सबसे पहली चीज़ बहुत लोगों को देखना पड़ता है, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल अलग होती है, बट मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी उतना ध्यान देना पड़ रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी, इन दोनों के बीच में अपने मेल्स वगैरह चेक करने पड़ते हैं दिन भर, इंस्टाग्राम क्या हो रहा है क्या नहीं, मेल्स ये वो म्यूजिकली हैंडल करना, एक दो मंथ के अंदर 400K म्यूजिकली पे क्रॉस, सोचा भी नहीं था डूड क्या बनाता हूँ, अब म्यूजिकली हैंडल करता हूँ, इंस्टाग्राम हैंडल करता हूँ, स्नैपचैट हैंडल करता हूँ, अपना यूट्यूब चैनल हैंडल करता हूँ, इतनी सारी चीज़ें, इसके बाद मेल जो तो दिमाग खा रहे थे ब्रांडिंग्स वगैरह, इससे बाद उससे बाद वो वीडियो आज लाइव करना है, वो वीडियो कल लाइव करना, वो वीडियो एडिट भी शो वो काम हुआ, साइन वो काम हुआ, सारी चीज़ें को लेके, उसके बाद दोस्तों को टाइम देना, उसके बाद जिम करना, अपनी डाइट मेंटेन करना, इजी नहीं है डूड, लाइफ बहुत मुश्किल है, खुद को मेंटेन करना, दिखेंगे तो बिकेंगे, सच है, और सबको लगता है ऐसी बन गए तो ऐसा नहीं है डूड, ऐसी बहुत सी चीजें जिसको लेकर मैं लाइफ में बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड था और कभी कभी होता भी हूँ सोच सोच के कुछ चीजें, बट इतना केयर नहीं करता डूड। तो एट दी एंड ये वीडियो बनाने का पॉइंट यही था कि बहुत लोग इस चीज़ को लेकर मैं बहुत लोग दिमाग में चलता नहीं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, बट डूड मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली सो वही बस आज इतना ही शेयर कर रहा था, एक स्टोरी टाइम था मेरा जो कि मैं तुम लोगों का शेयर करना चाहता था, आई होप तुम लोगों को पसंद आया होगा, बिकॉज नॉर्मल वीडियोज ब्लॉग्स हमेशा करते हैं बट ऐसी चीज़ें बहुत कम आती है, जो बातें दिल से निकलती है मुझे तुम लोगों का शेयर करनी थी, तो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू गाइस डिड मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेक्सी बेबी, बाय।